गाइस वीवो ने फाइनली लॉन्च कर दिया है V15 Pro इंडिया के अंदर। एंड गाइस ये जो स्मार्टफोन है ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन बनाया भाई वीवो ने, और भाई इस फोन को देख के ना सच में मजा ही आ गया। और आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा अनबॉक्सिंग और स्पेसिफिकेशन रिव्यूज़ और वो सब देख लिए होंगे, लेकिन मैं आप लोगों के लिए आज बिल्कुल ऐसे रोट डाउन करके लाया हूँ सारे के सारे नोट्स कि क्या फ़ोन के अंदर अच्छा है क्या फ़ोन के अंदर बुरा है। तो बिल्कुल आप लोगों को बता दूंगा कि फ़ोन के अंदर ऐसी क्या क्या चीज़ें जो कि आप लोगों को मिस आउट नहीं करनी, और अगर आप इस फ़ोन को ले रहे हो तो एक बार ये वीडियो देख लो। तो गाइस स्टार्टिंग कर रहे हैं अगर सबसे पहले फ़ोन की डिज़ाइन से, तो यार काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है और वो सब आप लोगों ने देख लिया है और फ़ोन दिखने में काफ़ी ज़्यादा मस्त है जिसके आप लोग देख सकते हो। लेकिन अब मैं स्टार्ट करूँ तो यहाँ पे कुछ फ्लॉस के इस फ़ोन के, बेसिकली इस फ़ोन की नेगेटिव पॉइंट्स की, और उसके बाद हम बात करेंगे कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स की। तो यहाँ पे मैंने सारे सारे नोट डाउन कर रखे हैं वो। देखो यार वीवो V15 Pro के अंदर ना जो प्राइस आप लोगों को मिल रहा है वो मिल रहा है 28,990 रुपये का। अगर आप देखो तो उसके अंदर आपको मिलता है एक स्नैपड्रैगन 675 प्रोसेसर। अब 29,000 रुपये के अंदर आप लोगों को लगेगा कि यार 675 वर्थ इट है नहीं है, वो सारे बहुत से ख्याल आएंगे, पोको भी आप लोगों को दिमाग में आएगा कि 845 दे रहा है, बट वो सारी चीज़ें यार हम लोग साइड रखते हैं। सबसे पहले बात करता हूँ क्या प्राइस वर्थ इट है। देखो यार काफ़ी लोगों के लिए ये प्राइस वर्थ इट हो सकता है, बट काफ़ी लोगों के लिए नहीं। अगर आप लोग एक गेमर हो, अगर आप लोग एक हार्डकोर गेमर हो, तो भाई ये फ़ोन आप लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं बन सकता। और उसी के अगर आप लोग थोड़ा सा कम लेना चाहते हो तो आपको अपना पोको का F1 मिल जाता है, तो उस क्राइटेरिया के अंदर ये बिल्कुल किक ऑफ हो जाता है। बट अगर बात करूँ यहाँ पे कुछ डिसएडवांटेजेस की इस फ़ोन की, तो सबसे पहले आता है इस फ़ोन के अंदर आप लोगों को जो सामने डिस्प्ले मिलती है ना, चमकती धमकती बिल्कुल ज़बरदस्त कलर्स वाली, उसके अंदर कोई भी प्रोटेक्शन नहीं लगाई गई है। जैसे ही कॉर्निंग की गोरिल्ला ग्लास 5, 4, 3, 2, 1, 6, ऐसी कोई भी प्रोटेक्शन नहीं लगाई गई है जो कि आप लोगों को 28,990 के प्राइस के अंदर मिलनी चाहिए। एटलीस्ट 10,000 वाले फ़ोनों के अंदर आप मिल रही है तो भाई इस फ़ोन के अंदर तो यार मिल सकती थी वो, बट भाई नहीं लगाई। गोरिल्ला ग्लास 3 ही दे देते कम से कम दिखाने के लिए, अच्छा तो लगता, बता तो सकते थे ना, कुछ नहीं है। सेकंड पॉइंट आता है फेस अनलॉक जो है ना यार, जब आप अगर इस फोन के अंदर फेस अनलॉक ऑन करते हो तो जो पॉपअप कैमरा है ना इसके अंदर बेसिकली सेल्फी वाला, वो बार बार ऊपर उठेगा और वो मोटराइज्ड है। अगर मोटराइज चीज जब बार बार ऊपर उठेगी, और आप लोग फ़ोन को दिन में कितनी बार अनलॉक करोगे वो आप लोगों को पता ही है, कभी फेस अनलॉक से कभी फिंगरप्रिंट से, तो जितना फेस अनलॉक करोगे उतना ही मोटराइज वो काउंट्स होंगे और उतना ही जो आप लोगों की वो जो उसकी मोटर है उसका ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा हैं, और जिनके अंदर भी मोटराइज पार्ट है ना उनके अंदर ये दिक्कत आएगी आएगी। थर्ड पॉइंट आता है इसका OS फ्रंट टच। तो भाई फ्रंट टच OS जो है काफ़ी ज़्यादा मेरे को पसंद नहीं है, और भाई काफ़ी ज़्यादा ब्लॉटवेयर के साथ ये OS देखने को मिलता है। पेटीएम, यूसी ब्राउज़र, ओपेरा, पता नहीं कौन कौन सी एप्लीकेशन के साथ प्री इंस्टॉल आती हैं। काफ़ी अच्छी बात यह है कि आप लोग इसे अनइंस्टॉल कर सकते हो, बट यार इनिशियली आप लोगों को ये मिलेगा जिससे कि आपका फ़ोन की जो स्टोरेज है वो काफ़ी ज़्यादा कम रहती है, और फिर आप लोगों को अपना इनिशियल स्टेप्स लेने पड़ेंगे, आपको अनइंस्टॉल करना पड़ेगा, जब जाके आपकी थोड़ी फ़ोन के अंदर स्पेस बचेगी। तो ये सब चीज़ें मेरे को नहीं पसंद। बाकी बात आती है यहाँ पे प्रोसेसर जो है 675, जैसे मैंने बताया वो 28,000 रुपये के अंदर मुझे लगता नहीं कि जस्टिफाई करता है प्राइस को। हाँ परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, 675 के साथ ये पहला फ़ोन है, हाँ काफ़ी अच्छा प्रोसेसर, काफ़ी पावरफुल है, लेकिन वो बजट सेगमेंट के लिए, ये जो आप प्राइस दे रहे हो ये प्रीमियम बजट सेगमेंट वाला है, प्रीमियम बेसिकली। और अब बात करूँ प्रीमियम से, तो जो पीछे की इसकी ग्लास वाली जो बैक लाप लोगों लग रही है ना ग्लास, वो एक्चुअली यार ग्लास नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक प्लास्टिक पैक है। तो भाई आप लोगों को बताया प्लास्टिक, भाई 28,000 रुपये में रेल यार सच्ची में, और 28,000 भी नहीं 29,000 यार, मैं 28,000 बोल रहा हूँ, 29,000 रुपये का फ़ोन है ये, उसके अंदर आपको ग्लास बैक मिल रही है। इससे बढ़िया तो यार हमारा ऑनर एटेक्स के अंदर 15,000 रुपये के अंदर नहीं बढ़िया बिल्ड क्वालिटी मिलती है। एक और पॉइंट जो कि अब बहुत ही ज़्यादा स्टैंडर्ड हो गया यार हर एक फ़ोन के लिए, काफ़ी लोग जो है उसे बहुत पसंद करते हैं, वो है USB Type-C। तो बेसिकली USB Type-C इस फ़ोन के अंदर आपको नहीं मिलती, तो भाई ये भी काफ़ी लोगों के लिए बमर हो सकता है, USB Type-C की तरह नहीं देखने को मिलेगी आप लोगों को। तो गाइस ये तो बात हो गई थोड़े डिसएडवांटेजेस की, अब थोड़ी एडवांटेज की बात कर लेते हैं। डिज़ाइन वाइज अगर आप सामने से आप इस फ़ोन को देखते हो तो क्या यार ये फ़ोन बनाया है बिल्कुल मस्त यार, बेजल लेस, ये मैं सच बता रहा हूँ ये फ़ोन होता है बिल्कुल बेजल लेस, इसे कह सकते हो, और दिखने में काफ़ी ज़्यादा मस्त है, सामने से बिल्कुल फ्यूचरिस्टिक लगता है। और अगर बात करूँ इसके एक बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटिंग फीचर की, बेसिकली कैमरा, वीवो जो है ना कैमरा के लिए भाई बिल्कुल ज़बरदस्त है। भाई मैंने आप लोगों को V11 Pro की वीडियो के अंदर भी बोला था कि जो कैमराज हैं यार वो काफ़ी ज़्यादा मस्त हैं, और भाई इस फ़ोन के कैमराज तो बिल्कुल भाई मज़ेदार हैं। अगर आप लोग अपने आप को चमकाना चाहते हो, बिल्कुल ऐसे खूबसूरत वाली फ़ोटो लेना चाहते हो, तो यार ये फ़ोन के अंदर आप लोगों को बिल्कुल खूबसूरत वाली फ़ोटोज़ देखने को मिल जाएंगी। अगर बात करूँ इसके अंदर आपको पीछे की साइड में ट्रिपल कैमराज मिलते हैं, जिसके अंदर कि GM1 सेंसर लगाया गया जो प्राइमरी सेंसर है, और वो बेसिकली आउटपुट करता है 48 megapixel वाली फोटोज, और सामने की तरफ में आपको 32 megapixel वाला सेंसर दिखता है जो कि काफ़ी ज़्यादा क्रिस्प क्वालिटी की जो है आपकी सेल्फीज क्लिक करता है। तो कैमरा वाइज यार इस फ़ोन के अंदर कोई भी मैं कह सकता हूँ
दिक्कत है ही नहीं, कैमरा बिल्कुल बेस्ट है। अगर आप लोगों को कैमरे का बहुत शौक है, जो कि आपका बजट इतना है, तो भाई इस फ़ोन से आपकी जो फोटोज़ हैं काफ़ी ज़्यादा मस्त आएंगी। अब भाई ऑब्वियसली आप इसे पिक्सल से मत कंपेयर करना, क्योंकि कमेंट में आप लोग बोलोगे भाई पिक्सल इससे ज़्यादा, यार वो एक अलग थ्योरी है, वो फ़ोन भी 70,000 का है, हम 28,000 की बात करें इस टाइम पर। और यहाँ पे एक और चीज़ जो है, इसके अंदर जो 14 MP वाला सेंसर है वो नेटिवली 48 नहीं है, वो आउटस्केल करता है, जैसे कि आप लोगों को पता है रेडमी नोट 7 के अंदर जो बेसिकली बात है वही चीज़ कर रहा है। और कैमरा जिसमें लगा है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और एक और चीज़ जो मेरे को इसके अंदर अच्छी लगी वो है इसका इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, जो कि काफ़ी ज़्यादा फास्ट है और मेरे को काफ़ी ज़्यादा वो पसंद आया। देखो यार, मानो या ना मानो, एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है हम सभी के तरफ से, तो यार वो अच्छा लगता है। और फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है इस फ़ोन के अंदर काफ़ी अच्छा काम कर रहा था, आप लोगों को वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं मिलेगी। और अगर बात करूँ क्या अच्छा है इसके अंदर, तो देखो परफॉर्मेंस अगर आप लोग देखते हो, अगर आप लोग वीवो के फ़ोनों यूज़ कर रहे हो, तो उस हिसाब से इस फ़ोन की परफॉर्मेंस बिल्कुल मस्त है, पबजी बहुत अच्छी चलेगी। लेकिन फिर अगर आप लोग इसे कंपेयर करते हो किसी भाई अपने फ़ोन से, जैसे कि पोको या ज़ेनफोन से, जो कि उसी रेंज के अंदर आते हैं उससे कम में, तो भाई ये फ़ोन उनके आगे बिल्कुल भी नहीं टिक पाता। तो गाइज़ ये थे कुछ ऐसे पॉइंट जो मुझे लग रहे थे आप लोगों को बताने चाहिए इन फ़ोनों के बारे में, क्योंकि यार कुछ चीज़ें होती हैं जो कि बिल्कुल मिस आउट हो जाती हैं, कोई चीज़ नहीं बता पाते, तो यार ये चीज़ें मैंने पूरी नोट डाउन कर ली थी। और अगर आप लोग को कोई और कुछ पता था मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो बस यार यही थी आज की वीडियो, अगर आप लोगों को पसंद आई है मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, लाइक कर दो इस वाली वीडियो को, चैनल को फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम लोग ऐसा कंटेंट बनाते रहते हैं। और मिलता हूँ मैं आपसे एक ऐसी वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।